दमोह उपचुनाव में हार पर बीजेपी ने अभी एक्शन लिया है। 5 मंडल अध्यक्षों समेत सिद्धार्थ मलैया निलंबित कर दिए गए हैं। प्राथमिक सदस्यता से उन्हें निलंबित किया गया है। पूर्व मंत्री जयंत मलैया को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर एक कार्रवाई की गई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश पर एक कार्रवाई हुई है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी फुलन पर जुड़े हैं। सुधीर, बहुत चर्चित ये पूरा प्रकरण है क्योंकि दमोह को जीतना था बीजेपी को, लेकिन हार के बाद अब एक्शन हुई है, किस तरह की कार्रवाई हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर इसको एक बड़ी कार्रवाई जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के आरोप राहुल लोधी ने चुनाव हारने के बाद में लगाए थे, उसके बाद में ये सवाल जरूर उठने लगा था कि बीजेपी के हार के कारण क्या थे, क्योंकि सरकार में रहते हुए चुनाव हारना निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा सदमा हो सकता है। लिहाजा हार की समीक्षा की बात बीजेपी संगठन की ओर से कही गई थी, और हार की समीक्षा के बाद में जो तथ्य सामने निकल कर आए, खासकर बात करें जो उमा भारती, प्रहलाद पटेल, राहुल लोधी और तमाम जो राहुल लोधी के समर्थक थे, उनकी ओर से जो बयान जारी किए गए थे, जो तथ्य सामने रखे गए थे, उसके आधार पर एक बड़ी कार्रवाई आज बीजेपी संगठन की ओर से की गई है। खासकर बात करें मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त मंत्री, कद्दावर नेता बीजेपी के जयंत मलैया, उनको शोकॉज नोटिस जो है इस चुनाव के बाद में जारी किया गया है। साथ ही साथ उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया सहित बीजेपी के 5 मंडल अध्यक्ष जो है उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। यानी कि कहना होगा कि इस पूरे मामले पर बीजेपी ने सख्त कदम उठाया है, और खासकर अगर बात करें तो हार को लेकर जिस तरीके से राहुल लोधी ने आरोप लगाए थे, उन आरोपों के बाद में बीजेपी की ओर से बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। चलिए, बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है। सुधीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दमोह में हार के बाद अब बीजेपी एक्शन में, कार्रवाई हुई है। इस बार सिद्धार्थ मलैया को निलंबित किया गया है, तो जयंत मलैया को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है।